बूंद हूँ मैं, बूंद हूँ मैं, गिरती हूँ तो लहर उठती है, बहती हूँ तो नजर रुकती है, बूंद हूँ मैं, बूंद हूँ मैं, पत्ते पर एक मोती सी मैं, पत्ते पर एक मोती सी मैं, हवा में बन ओस बहती मैं, बूंद हूँ मैं, बूंद हूँ मैं, एक हूँ तो सूख जाती, अनगिनत हो सागर बनाती, बूंद हूँ मैं, बूंद हूँ मैं, एक सही या अनेक सही हूँ, एक सही या अनेक सही हूँ, याक हूँ अनेक में एक हूँ मैं, एक एक बूंद संग हमें मिलना है, एक एक बूंद संग हमें मिलना है, प्यासों का अमृत बनना है, किरणें बन बादलों में, किरणें बन बादलों में, इंद्रधनुष सा बिखरना है, एक में अनेक हैं हम, एक में अनेक हैं हम, अनेकों में एक हैं हम, बूंदे हैं हम, बूंदे हैं हम, बूंदे हैं हम, बूंदे हैं हम। गणतंत्र दिवस हमारा पर्व, जन जन का पर्व। एक समय ऐसा भी था कि जब पता चलता कि 26 जनवरी का दिन आने वाला है, हफ्तों दिन पहले से दिल्ली में रहने वाले लोगों के रिश्तेदारों का आना शुरू हो जाता था। बूढ़े, बच्चे, वयस्क, अपने जाड़ों के जितने भी उपलब्ध कपड़े थे उन्हीं में कोई चादर ओढ़े आ रहा है, कोई शाल ओढ़े आ रहा है, कोई हाफ स्वेटर पहने आ रहा है, कोई सिर्फ आधी कोटी ही पहने आ रहा है। इस तरीके से बच्चों को कंधे पे लेकर के पैदल पैदल, जैसे कि राजपथ पर अगर मार्च देखने आना है तो इधर तालकटोरा से ही, उधर मिंटो रोड से ही, उधर आईटीओ से ही, और इधर यमुना किनारे से ही पैदल पैदल आ करके लोग 26 जनवरी मार्च में देखने के लिए शामिल होते थे। और बड़ी ही तरकीब से उनकी गलियां बनाई जाती थी और सेना के लोग, सुरक्षा के लोग सहयोग करके उन्हें आगे बिठाते थे। राजपथ से लेकर के इंडिया गेट तक किनारे किनारे लोहे की बेड़ियां लगाना, कुर्सियां लगाना जिन पर कि वो बैठते थे। और जैसे ही अपने प्रांत की झांकी निकलती, वाह, खुशी का पारावार, खड़े होकर के तालियां बजाना कि ये हमारे प्रांत की झांकी है। क्या बात, इतना जोश, इतना उल्लास। हालांकि राष्ट्रपति महोदय का 21 तोपों के साथ सलामी, और जो विशेष अतिथि होते थे उनके इर्द गिर्द की भीड़, सब देखने में बहुत ही अच्छा लगता था। और एक उत्साह का वक्त उस वक्त होता था जब लड़ाकू विमान एक आवाज के साथ साय साय करते हुए उड़ के और सर के ऊपर से गायब हो जाते। एक वो भी दौर था। लेकिन हाँ, उस वक्त बताते हैं कि और भी पहले की अगर बात करें तो घोड़े के बग्गी पर राष्ट्रपति की सवारी निकलती थी, उसके पीछे पीछे सेना के लोग होते थे। लेकिन वक्त बदला, परिस्थितियां बदली, सुरक्षा को देखते हुए अब ये संभव नहीं रहा, तो अपने अपने सुरक्षित गाड़ियों में ही हमारे वीआईपी आते हैं और सलामी देते हैं। इंडिया गेट, क्या बात है। 26 जनवरी के बाद भी वैसे ही भीड़ लगती थी, हालांकि 29 जनवरी तक उसके समापन समारोह तक वहां तो आम रास्ते बंद होते थे, लेकिन उसके बाद भी इंडिया गेट तक पहुंचने के लिए एक ललक, एक उल्लास देखने में लोगों का आता था। और वहां जाकर के अपनी तस्वीरें खिंचवाना, उनमें खुदे हुए नामों को पढ़ना और जलते हुए ज्वाला का दर्शन करना बड़ी ही सौभाग्य की बात होती थी। लेकिन अब उतनी भीड़ नहीं आती है, कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ कोरोना का वक्त है, कुछ सुरक्षा का कारण भी है जिससे कि अब उतनी भीड़ नहीं आ पाती, और न ही उतने अब संसाधन रह गए हैं जिससे कि लोग समय निकाल करके 26 जनवरी देखने आए। लेकिन हाँ, जब ये
परेड में शामिल सेना होती है उनके कारनामे देखने के लिए जो जहां है वहीं जुड़ जाता है। हम इस दिवस के लिए, गणतंत्र दिवस के लिए अपने सभी मित्रों दोस्तों को हार्दिक बधाई देना चाहेंगे। और एक बात हम अपने तरफ से भी ये बताना चाहेंगे कि जो हमारी सरकार है ये इन दिनों कोशिश में थी कि जो लोक नृत्य हैं जिन्हें हम झांकियों में अक्सर देखते हैं उनमें कितने लोक नृत्य हैं, कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, कहाँ कहाँ के कलाकार इसमें शामिल हैं, और दूसरी बात बच्चों में इन जवानों के बारे में कितनी जानकारी है, कौन किसको जानता है। और एक पेंटिंग के जरिए जिसे कला कुंभ भी कहा गया है और स्क्रोल पेंटिंग के भी नृत्य का यानी कि जो डांस कंपटीशन नृत्य प्रतियोगिताएं पूरे कई जोनों में हुई, फिर उसका फाइनल दिल्ली में हुआ और दिल्ली से जो चयनित कलाकार हैं डांस के जिनमें कि राष्ट्रीय भावना की प्रेरणा लिए हुए वो 26 जनवरी में भाग ले रहे हैं। और दूसरी बात वीर गाथा में ऐसे बच्चों का भी चुनाव हुआ है, उनका चयन किया गया है जिन्होंने पेंटिंग के माध्यम से, गाने के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से वीर गाथा जैसी भावना को उत्प्रेरित किया है, उन्हें याद किया है। उन बच्चों को भी इस झांकी में देखा जा सकता है। और एक कला कुंभ का आयोजन हुआ था, कला कुंभ यानी कि स्क्रोल पेंटिंग जो बड़े बड़े दीवारों पर पेंटिंग होती है, बड़े बड़े पोस्टरों पर पेंटिंग होती है, वो सब कलाकारों ने इकट्ठा होकर किस तरह से पेंटिंग बनाया है और उनका चयन भी हुआ है, लघु लघु फिल्में टाइप की बना करके और तैयार की गई हैं। तो इसी जानकारी के साथ आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बूंद हूं मैं, गिरती हूं तो लहर उठती है, बहती हूं तो नजर रुकती है। बूंद हूं मैं, पत्ते पर एक मोती सी मैं, हवा में बन ओस बहती मैं। बूंद हूं मैं, एक हूं तो सूख जाती, अनगिनत हो सागर बनाती। बूंद हूं मैं, एक सही या अनेक सही हूं, या कहूं अनेक में एक हूं मैं। एक एक बूंद संग हमें मिलना है, प्यासों का अमृत बनना है। किरणें बन बादलों में इंद्रधनुष सा बिखरना है। एक में अनेक हैं हम, अनेकों में एक हैं हम। बूंदे हैं हम, बूंदे हैं हम, बूंदे हैं हम, बूंदे हैं हम।